भाजपा तो इतनी डर गई है कि इस निकाय चुनाव में सीएम और पीएम आ रहे हैं। सोचिए, ये एमआईएम की दहशत है। अल्लाह ने चाहा तो अब की 30,000 से उनको हम हरा देंगे। प्रांतों में बनी है, हमारा वोट काट रही, मेरी पार्टी का वोट काट रही है, ये AIMIM का वोट काट रही है, समाजवादी पार्टी हर जगह मेरा वोट काट रही है। कामत हमको कर नहीं देगा मेरा हिंदू भाई। एक बार वो मेरे साथ आके लगे, अगर मैं उसके साथ ना इंसाफी करूंगा, यकीन मानिए, पहले मैं उसको रोटी खिलाऊंगा, तब मैं खुद खाऊंगा। पहले मैं उसको हिस्सा, उसका हक उसको दूंगा, अगर उससे बचेगा तो मैं लूंगा। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है आशुतोष उपाध्याय। यूपी में नगर निकाय का चुनाव प्रगति पे है और आज हम लोग इसी कड़ी में पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में। यहां पर देखा जा रहा है एमआईएम पार्टी जो कि विपक्ष के रूप में पूरी भूमिका निभा रही है और यहां से ताल ठोक रहे हैं एमआईएम के प्रत्याशी मोहम्मद मुहर्रम अली मद्दन जी। आइए, आज हम इनसे जानना चाहते हैं सियासत के कुछ सवाल। मुहर्रम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी बताइए, कितना जन समर्थन मिल रहा है सुल्तानपुर की जनता से आपको? जनता से भरपूर समर्थन मिल रहा है, जहां जा रहे हैं पब्लिक एकदम दीवानी सी हो जा रही है। अब की सिर्फ पतंग ही पतंग, आपकी पतंग ही पतंग। अरे यार, भाजपा तो कह रही है, भाजपा प्रत्याशी तो कह रहा है इस बार 30,000 पार से जीतने जा रहे हैं, 30,000 पार से जीतने जा रहे हैं, कैसे जवाब दोगे? भाजपा तो इतनी डर गई है कि इस निकाय चुनाव में सीएम और पीएम आ रहे हैं। सोचिए, ये एमआईएम की दहशत है। अल्लाह ने चाहा तो अब की 30,000 से उनको हम हरा देंगे। योगी जी ने एक शब्द कह के गए हैं कि हम तो युवाओं के हाथ में स्मार्टफोन देते हैं, आप लोग तो युवाओं के हाथ में तमंचा देते हो, इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो कौन तमंचा देता है और कौन खून देता है, वो योगी जी खुद जानते हैं। जैसा कि देख सकते हैं एमआईएम किस प्रकार से ये पार्टी उभर रही है और किस प्रकार से मजबूती से ये प्रत्याशी लड़ रहा है, कितना जनसमर्थन यहाँ का, कितना जनसमर्थन आपको मिल रहा है? 80% 80% जनता हमारे साथ है, इसलिए सारी सियासी पार्टियों की नींद हराम हो चुकी है। नगर का विकास कितना हुआ है आने वाले समय में? सुल्तानपुर का विकास कितना हुआ? विकास तो अभी नहीं हुआ, अभी तक तो विनाश हुआ, अब विकास होगा जब मद्दन जी आएंगे तो। जैसा कि आप देख सकते हैं, मद्दन जी का कहना है कि सुल्तानपुर का अभी तक विकास तो नहीं लेकिन विनाश जरूर हुआ है। तो मद्दन जी, आपने क्या सोच रखा है? इतना बड़ा वादा कर रहे हो विकास करेंगे, कौन सा विकास आपने सोच रखा है? विकास ये करेंगे, विकास ये होगी कि रोड, नाली, पानी, बिजली, पहले तो ये व्यवस्था होगी। बाकी जनता की जो समस्या है, जो छोटे छोटे मसले मसाइल जाते हैं वहाँ पे और वहाँ धक्के खाते हैं ना, इसीलिए यहाँ का जनता हमें 80% वोट देके हमें पहुँचाएगी और सुल्तानपुर में पहली बार ऐसा नेता पहुँचेगा, कोई परेशान नहीं होगा। यार, आपके जो आपके विपक्ष में लड़ रहे हैं सपा प्रत्याशी, वो कहते हैं कि एमआईएम मेरा नुकसान कर रही है, मेरा वोट काट रही है। तो हमारे साथ उपस्थित हैं एमआईएम के जिला अध्यक्ष माननीय सरफराज जी, आइए इनसे हम आपको मिलाते हैं। सरफराज जी, विपक्ष सपा का कहना है, मानू जी का कहना है, सपा का कहना है कि आप लोग सपा का नुकसान कर रहे हैं, सपा का वोट काट रहे हैं। क्या यार बात करते हो, ये सवाल तो हमको आपसे पूछना चाहिए। अरे हम सपा का काटे, कौन सा बेस वोट है उसका बताइए, सपा का नहीं, सपा का कौन सा बेस वोट है बताइए। जी सर, हम नहीं कहते हैं, सपा कहती है। तो सपा, ये आप जान लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से हम शहर के लोगों से कहना चाहते हैं, क्या पूरे प्रदेश का, देश के लोगों से कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी जैसी छोटी पार्टी, इसी तरह की तमाम पार्टियां अलग अलग प्रांतों में बनी है, हमारा वोट काट रही, मेरी पार्टी का वोट काट रही है, ये AIMIM का वोट काट रही है, समाजवादी पार्टी हर जगह मेरा वोट काट रही है। जाइएगा, कह दीजिए कि अल्लाह के वास्ते खुद तो डूब ही गए हैं, हमारा वोट काट के मेरा गला ना काटें, वो अपनी तरफ चल के देखें। भाजपा विकास की बात करती है, अभी सोशल मीडिया पे सब लोग देखे होंगे, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सुल्तानपुर की सांसद महोदया कीचड़ में गिर गई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई उसका जवाब आपको खुद मिल गया ना, जो विकास का जवाब आप ही के सवाल में छुपा हुआ है। अगर इतना तगड़ा विकास हुआ होता तो माननीय हमारी सांसद, मेरे मेरे शहर की सांसद श्रीमती मेनका जी कैसे गिरती, मुझे भी तकलीफ है,
उनके गिरने का स्लिप हो करके, वो बहन बेटी है हमारी, बहू हमारे शहर की है, विकास की पोल खुल गई, उन्हीं की पार्टी के सांसद वो हैं। अब आप जान लीजिए यार, आप लोग ऐसे भी वादा विधानसभा चुनाव में कर रहे थे और आप कहे थे, वादा भी था कि हम लोग काफी मार्जिन से ये चुनाव जीत रहे हैं और काफी आपने दमदारी से चुनाव लड़ा, लेकिन क्या ऐसा खेला हो गया कि आपका प्रत्याशी काफी नीचे चला गया? असल में मसला वही था ना, वोट काटने वाला ना, तो वो वोट कटवा जो है बड़ा साबित हो गया, उसने काट डाला वोट हमारा। यार आप लोग लड़ भी तो नहीं पाए। क्यों लड़े, कितना और कैसे लड़ते हैं दमदारी? जितनी फाइट करनी चाहिए, जितने वोटों में आपको पहुंचना चाहिए, 50,000 पार जाना चाहिए वोट के लिहाज से ना। वोट के लिहाज से आप कह रहे हैं नहीं लड़ सके, तो जब वोट ठेकेदार हमारे कौम के लोग हैं, वोट हमारा काट के लेके चले गए, तो उसमें हम क्या कर सकते थे? वोट उसी बेस पे तो जो है हम लोगों ने लड़ा था। और सुल्तानपुर में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर मेरा वोट दिगर पार्टियां सब्जबाग लालीपॉप दिखा करके ना काटें तो यकीनन इतिहास रच देंगे हम लोग। ऐसा लोगों का कहना है, अब लोगों को भड़काया जाता है या कहा जाता है कि आपकी पार्टी आ गई तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। क्या यार बात करते हो, यकीन मानिए मैं हिंदू अपने भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, एक बार वो मेरे साथ जुड़ करके देखें। कोई ये खेती है, सीजनल खेती है, गेहूं का है, धान का है, 4 महीने में कटती है, ये 5 साल में कटेगी ना। कोई बैनामा तो हमको कर नहीं देगा मेरा हिंदू भाई, नामा तो हमको कर नहीं देगा मेरा हिंदू भाई। एक बार वो मेरे साथ आके लगे, अगर मैं उसके साथ ना इंसाफी करूंगा, यकीन मानिए पहले मैं उसको रोटी खिलाऊंगा तब मैं खुद खाऊंगा। पहले मैं उसको हिस्सा, उसका हक उसको दूंगा, अगर उससे बचेगा तो मैं लूंगा, मैं दिखाऊंगा। नहीं, 600-700 साल जो है था हम लोगों का शासन, यही नहीं खिलाफत उस्मानिया भी था, तमाम तरह के एम्पायर थे, फ्रांस में हम लोगों का था जमाना। कोई बता देना किसी के साथ ना इंसाफी हुई हो, यह गलत बात है, लोगों को गलत तरीके से समझाया जा रहा है। चलते चलते क्या आप अपने कौम से और सुल्तानपुर की नगर पालिका क्षेत्र की जनता से चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कोई अपील करना चाहते हैं? देखिए जनता से तो अपील यह है कि इस बार हम लोगों की मेहनत को भी देखे, एक बार हम लोगों को भी चांस दे, ये जो लंबी लंबी बातें लोग करते हैं एक बार हमको भी दे। हम वादा अपनी शहर की जनता से ये नहीं करेंगे कि हम बिजली माफ, क्या करना, ये करना, वो करना, कोई मुख्यमंत्री हमको बनना नहीं है, हमको चेयरमैन बनना है। और चेयरमैन की कैपेसिटी और सोर्स ऑफ इनकम, ये सारी चीज़ें हम लोगों को मालूम है, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सब्जबाग मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन बेहतर से बेहतर सुविधा देने की कोशिश मैं जनता से कर रहा हूँ बतौर जिला अध्यक्ष एक पार्टी का। तो ये थे हमारे साथ MIM के जिला अध्यक्ष माननीय सरफराज भाई। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कैमरामैन सरफराज अहमद के साथ आशुतोष उपाध्याय की रिपोर्ट। धन्यवाद। शान कर रही है, मेरा वोट काट रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम उनको कुछ नहीं, जनता उनको खुद ही नाकारा कर रही है, जहाँ जाते हैं वहाँ खुद ही वो बेइज्जत होते हैं, वो हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो जनता जवाब दे देगी 11 तारीख को। और जो कहते हैं वोट काट रहे हैं, आप उनका वोट काट रहे हैं? वोट था ही कहाँ उनका, सारा वोट तो हमारा है, कौन सा वोट उनका है? तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से MIM प्रत्याशी गरज रहा है। आखिरी क्वेश्चन आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ इतनी तादाद में युवा लगे हुए हैं, युवाओं के लिए आपने क्या सोच रखा है? युवाओं के लिए हमने सोचा, इनको रोजगार चाहिए, इनको पकौड़ा नहीं तलवाना हमको है, रोजगार, वो भी जो जैसा व्यक्ति होगा उसको रोजगार उसी तरह मिलेगा। चलते चलते क्या सुल्तानपुर की जनता से आप कोई अपील करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि 11 तारीख को पतंग पर वोट दें और भारी मतों से हमको जिताएं और सुल्तानपुर का विकास में हाथ बढ़ाएं। तो ये थे हमारे साथ MIM के प्रत्याशी मुहर्रम अली मद्दन जी। ऐसी तमाम खबरों के जुड़े रहने हमारे चैनल से। कैमरामैन सरफराज खान के साथ आशुतोष उपाध्याय की रिपोर्ट। धन्यवाद।